साथियों अभी एक और गुड न्यूज है, आरबीआई ने एक्शन लिया है ऐसी कंपनियों पर जो जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, जो परेशान कर रहे थे लोगों को रिकवरी के लिए, अनाप शनाप चार्जेस लगा रहे थे, ऐसी दो कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए आरबीआई ने। आरबीआई अब सख्त हो गया है, ये आपकी और हमारी मेहनत का ही नतीजा है। हम बार बार सरकार को आगाह कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि सरकार समझे कि कितनी समस्या है जनता की, जनता कितनी समस्या से जूझ रही है। दो कंपनियों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया क्योंकि वो जनता को ज्यादा परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। आरबीआई ने बड़ा सख्त एक्शन लिया है। कौन कौन सी कंपनी है ये? एक कंपनी है कुद्दूस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, पूना, पूना की कंपनी है। ये अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे थे, बहुत ज्यादा लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, ब्याज ज्यादा था, सरचार्जेस इंटरेस्ट लगा रहे थे, बहुत पेनल्टीज लगा रहे थे, इनका लाइसेंस कैंसिल किया गया। एक दूसरी कंपनी है क्रेडिट गेट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, मुंबई में क्रेडिट गेट प्राइवेट लिमिटेड थी, ये भी अनाप शनाप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे, जरूरत से ज्यादा। जो आरबीआई की गाइडलाइंस है कि तू 2% पर मंथ या सालाना 24% ज्यादा किसी भी कीमत पर ब्याज नहीं लिया जा सकता, ये उस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे थे, अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रखा था, पेनल्टी सरचार्ज लगा रखा था, और इनके जो रिकवरी वाले थे वो बदतमीजी करते थे, गाली गलौज करते थे, फोन पर गाली गलौज करना, घर जाकर के गाली गलौज करना। जब ग्राहकों ने कंप्लेन करी, जब ग्राहकों को हमने अवेयर किया कि जब कोई रिकवरी एजेंट आया तो उसे डीआरए का सर्टिफिकेट पूछे, उसे उसका आई कार्ड मांगे, उसे अपनी कंपनी के बारे में मांगे, कौन सी कंपनी से आया, तो इन्होंने रिकवरी के लिए भी अपने लोग रखे हुए थे, उन लोगों की रिकॉर्डिंग की गई, आरबीआई से कंप्लेंट की गई, पुलिस में शिकायत की गई। जब आरबीआई के पास लगातार शिकायतें आने लगी तो आरबीआई ने दोनों कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब ये दोनों कंपनियां क्रेडिट का काम नहीं कर सकती, बैंकिंग का काम नहीं कर सकती, अब ये एनबीएफसी की तरह काम नहीं कर पाएंगी। आपको भी मैंने बार बार कहा है, अपने अधिकारों को जानिए, सरकार आपके अधिकारों की रक्षा तब करेगी जब आपको अपने अधिकारों का पता होगा। पुलिस वाले आपके अधिकारों के बारे में कब बात करेंगे? जब आपको अपने अधिकारों का पता होगा। आरबीआई आपके फेवर में कब एक्शन लेगा? जब आप अपने अधिकारों के आधार पर एक्शन लेना शुरू करेंगे। जब भी कोई रिकवरी के लिए आए, बदतमीजी करे, मिसबिहेव करे, वीडियो बनाइए, उनसे पूछिए डीआरए का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, क्योंकि जो डीआरए सर्टिफाइड होगा, जिसने सर्टिफिकेट लिया होगा, वो डेप्ट रिकवरी एजेंट बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता, गाली गलौज नहीं कर सकता। जो एनबीएफसी वाले हैं उनसे पूछिए 2% महीना या सालाना 24% ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा सकते, अगर आप सालाना ज्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो किस आधार पर लगा रहे हैं, रिटर्न में मांगिए, जो भी मांगे रिटर्न में, वो पेनल्टी लगाते हैं, पूछे पेनल्टी दिखाइए रिटर्न में, आरबीआई के क्या गाइडलाइंस है, क्या इतनी पेनल्टी लगाई जा सकती है, क्या इतना सरचार्ज लगाया जा सकता है, क्या इतना इंटरेस्ट लिया जा सकता है। जब आप इस तरह से काम करेंगे तो जरूर जरूर वो लोग भी आपके फेवर में बात करेंगे और आरबीआई भी, सरकार भी एक्शन लेगी। फिर भी कंप्लेन करना चाहे तो आरबीआई की वेबसाइट बता रहा हूं, cms.rbi.org.in, cms.rbi.org.in, यहां पर जाकर के कंप्लेंट करिए। अगर कोई कंपनी वाला, एनबीएफसी वाला, बैंक वाला, रिकवरी एजेंट, कोई भी व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जरूरत से ज्यादा पेनल्टी सरचार्ज इंटरेस्ट लगा रहा है, इन सब की शिकायत करिए, इन सब पर एक्शन लेगा आरबीआई। और आरबीआई के इस एक्शन का मैं समर्थन भी करता हूं और आरबीआई की प्रशंसा भी करते हैं हम लोग, आरबीआई को थैंक्स भी करते हैं कि आरबीआई ने हमारी कंप्लेंट पर संज्ञान लेना शुरू किया है। बस अब जल्दी से जल्दी भारत सरकार ऐसे लोगों का कर्जा भी माफ कर दे जो कर्जे की दलदल में सरकार की गलत नीतियों के कारण फंसे हैं, और यकीन मानिए वो दिन जल्दी ही आने वाला है जब सरकार सबका कर्जा माफ करेगी। आपने अगर कर्जा मुक्ति के लिए फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भरिए, हमारा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, वहां उसको फॉलो करिए, पहली पोस्ट मिल जाएगी, वहां फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, फॉर्म भरिए, खुद भी फॉर्म भरिए, कम से कम 100 लोगों से फॉर्म भरवाइए। यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सरकार ऐसी कंपनियों पर एक्शन ले रही है, ऐसे बैंकों पर एक्शन लिया जा रहा है, ऐसे रिकवरी एजेंट पर एक्शन लिया जा रहा है, और ये सराहनीय काम है।